राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bye.
pueblo Chaya, a nuestra Dacidísima de Joan Inglés, y si Bhaktivinoda Swami, Shri Prabhupada Maharaj ki, Shri Prabhupada ki, Jai Om Ishma Joan Inglés, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Prabhupada Maharaj ki, Shri Shri Gonitai ki, Shri Shri Radha Prada Sati ki, Shri Shri Sita Ram Lakshmana Hanuman ki, Shri Ramanuja Charya Avibhav Siddhi ki, Shri Ramanuja Charya Avibhav Siddhi ki, All glory to Shri Samadhuri, all glory to Samadhuri, all glory to Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna, sab bhaktan ka hardik swagat. बाल बच्चा कल कितने लोगों का प्रसाद बांटा हाँ 3000 बस हाँ ये प्रिया के भक्तों ने कितना किया हाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा मौका है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम नौवें स्कंद के एक श्लोक पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके पश्चात थोड़ी चर्चा करेंगे रामानुजाचार्य के ऊपर भी और रामानुजाचार्य के ऊपर ऋषि कुमार प्रभु दोपहर को सेमिनार दे रहे हैं तो आज आप पढ़ेंगे कैंटो 9 चैप्टर 10 टेक्स्ट 50 स्क्रीन में है हरे कृष्ण आसनम मृत्रा पानीपत्या साधिता प्रजा स्वा धर्म निराता अनाश्रम विनन्विता गोपा पेशव रामो मिनीरे पितरम चम अगहे रसनम भर्त्र फणिपत्य प्रसादिता पूजा स्वधर्म निराशा वर्णाश्रम गुणन्विता गोपा पितवर रामो नीरे पितरम चतम अग्रहे दासनाम भृत सॉरी अग्रहे दासनाम भृतुत्रा पनीपत्य प्रसादिता प्रजा स्वधर्म निराशा वर्णाश्रम गुणान्विता गोपा पितवर रामो मिनीरे पितरम चतम अग्रहे आसनम प्रत्र मणिपत्य प्रसादिता प्रजा स्वधर्म निराशा नाशम गुणान्विता गोपा पितवर रामो मिनीरे पितरम चतम Thank you.
शब्द अग्रहीत स्वीकार किया। आसनम राज सिंहासन, भ्रात्रा अपने भाई भरत द्वारा, प्रणिपत्य पूर्णतया उनकी शरण में जाकर, प्रसादितः प्रसन्न होकर, प्रजाः तथा प्रजा स्वधर्म निरताः अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में संलग्न, वर्णाश्रम वर्ण तथा आश्रम के अनुसार गुण अन्विताः गुणों से पूरित, जोगोप भगवान ने उनकी रक्षा की, पितृवत पिता की भांति, रामः रामचंद्र ने मेनिरे उन्होंने माना, पितरम पिता के तुल्य, च भी तम उनको रामचंद्र जी को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। लोगों को रामराज जैसी व्यवस्था प्रिय है और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी रामराज नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश विहीन ईश राज चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है कि लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नाम के चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक चार आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवद्गीता 4:13 में पुष्टि की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। चार वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत ये होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को ईश भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना है। वर्णाश्रमाचार्यवता पुरुषेण परापमान विष्णुराराध्यते। समुची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए है। विष्णुरस्य देवता। जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव बनते हैं। अतएव लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए।
जिस तरह रामचंद्र जी के राज्य काल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था, मात्र कानूनों और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता, यह संभव है। विश्व भर में ना जाने कितने राज्य, विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के हैं। अतएव अच्छी नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस तरह केमिकल इंजीनियर, वकील या अन्य ज्ञान के विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। इससे अच्छी नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होगी, वर्णाश्रम गुणान्विताः। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उचक्कों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा के कारण लोग सामान्यतया चोर और उचक्के हो गए हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उचक्के अन्य चोर उचक्कों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हर सरकार में अव्यवस्था रहती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु भगवान रामचंद्र के राज्य में अच्छी सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो सारे विश्व में अच्छी सरकार बन जाएगी। ठीक है, आज के समाज के लिए बड़ा सुंदर पात्र। ओम ज्ञान सिमेन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्य चक्षुरुन्मीलितानेन श्रीचैतन्य मनोविस्तार वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपां सगजतं सहगनारघुनाथं सद्वैतं स्वधूतं श्रीराधाकृष्णापदान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंसा नमोस्ते तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण अग्रेदर्शनपत्र पणिपत प्रसाद प्रजा से धर्म निराता वर्णाश्रम गुणान्विता गोपा पितृवत रामो मेरे पितरम छतम। तो श्रीमद् भागवतम में केवल दो अध्याय हैं जहाँ की भगवान राम की लीलाओं का उनके राज्य की चर्चा की जाती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अनेक संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर लिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गहराई के साथ इस विषय की चर्चा नहीं करूँगा। आप चैतन्य चरितमृत में भी देखते हो
कई लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। कृष्णदास कविराज कहते हैं मेरा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी को पता था अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिनमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो भगवान राम स्वयं भगवान हैं और भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए पावित्रयान साधु नाम विनशिषदुष्कृतम धर्म सन सपनाथाया सभा योग योग प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो और भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। दिव्य लीला का अर्थ है वो लीला जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और भगवत में कहा गया है जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनेगा वो भगवान के धाम लौट सकेगा। तो भगवान राम स्वयं भगवान हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आपके विचार से रावण कौन था, भक्त या अभक्त? हाँ अभक्त। श्री से इस कदम आप पढ़ते हो जब कुमार वैकुंठ धाम में पहुँचे तो उन्हें भगवान के दो द्वारपालों ने रोक दिया। भगवान के जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा तुम नंगे बचे इस स्थिति में अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ। कुमारराज को इतना आनंद आ रहा था वैकुंठ धाम का वासना अनुभव करके, उन्हें बड़ा क्रोध आ गया, तुम कौन होते हो हमें यहाँ रोकने के लिए, तुम यहाँ इस सेवा के योग्य नहीं हो, हम तुमको श्राप देंगे। तो दोनों की चर्चा हुई चौकीदारों की और कुमारराज की। भगवान ने यह चर्चा सुन लिया और भगवान खुद आए आगे देखने के लिए क्या हो रहा है। और जो कुमारराज थे जब उन्होंने देखा कि भगवान का बड़ा स्नेह है इन द्वारपालों के प्रति, तो उनको लगा कि हमने गलती कर दी है, हमें इन दो द्वारपालों को श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, भगवान इतने प्रेम से स्नेह से उनसे चर्चा कर रहे हैं। और फिर भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी कि तुम उन्हें श्राप दो। और जब जय विजय को कहा गया श्राप प्राप्त होने लगी है, उन्होंने कहा कि जो श्राप देना दीजिए पर ऐसा श्राप दीजिए कि हर जन्म में हर समय हम बड़े गहराई के साथ भगवान का स्मरण कर सके। तो वो भगवान ने उनको छूट दी, यहाँ तो मेरो 7 जन्म जिसमें आप लीला कर सकते हो मेरे साथ, या 3 जन्म शत्रु के रूप में और फिर तुम जल्द मेरे धाम में लौटोगे। तो जय विजय की तो इच्छा थी सदा भगवान के साथ ही रहना, तो उन्होंने कहा ये तो शॉर्टकट है, ये अच्छा ज़्यादा अच्छा सौदा है, 7 जन्म के बजाय 3 जन्म में हम ले रहे हैं। तो जय विजय को चॉइस दिया था, कभी आपको छूट दी जाती है ये सेवा करो या ये सेवा करो, जय विजय को छूट दी थी, या तुम 7 बार जन्म लो और मित्र भाव में भगवान की सेवा करो, या 3 बार जन्म लो
और शत्रु के रूप में लीला को ज्यादा मधुर बनाओ। तो जय विजय ने हिचके बगैर कहा, हम तीन बार शत्रु बन जाएंगे, ये स्वीकार है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि तीन बार उन्हें जन्म प्राप्त होगा शत्रु के रूप में। एक समय भगवान जब विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी की इच्छा थी भगवान का दर्शन मिले। जय विजय बड़े कड़क चौकीदार थे, किसी को छूट नहीं देते थे। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं जाकर भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। जय विजय कहा, अब वो विश्राम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकते, बाद में आना। तो लक्ष्मी जी ने निर्णय कर लिया था, इनको यहाँ से छुट्टी मिलनी चाहिए थोड़ी सी। इनके इनके मन में बड़ा अहंकार आ गया है, इनको थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की भविष्यवाणी थी कि जय विजय, क्योंकि उन्होंने मुझे रोका था अंदर प्रवेश करने से, इनको यहाँ से थोड़ी देर छुट्टी जरूर मिलेगी। तो यही जय विजय बन गए हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप। यही जय विजय बन गए थे युग में रावण और कुंभकर्ण, वही जय विजय प्रकट हुए शिशुपाल और दंता बकरा के रूप में। और ये तीन जन्म हुए। तो ये भी कहा जाता है, जय विजय ने जगाए मदाई चौथे अवतार थे। तो जय विजय बन गए रावण और कुंभकर्ण। तो भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भारत, शत्रुघ्न, ये सब हैं प्रभुपाद जैसे कहते हैं विष्णु तत्व। और भगवान प्रकट होते हैं क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट की, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करते हैं हम भगवान हैं, पर जब उनसे पूछा जाए आप कोई अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हो, तो क्या उत्तर में मिलता है? आज नहीं कल करेंगे। तो वो कल कभी आता ही नहीं है। तो ये भगवान राम ने तपस्या की और भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया। भगवान राम गए थे वनवास जंगल में, कितने सालों के लिए? 14 साल। क्यों? क्योंकि उनकी सौतेली माँ की इच्छा थी कि भारत को राजगद्दी प्राप्त हो। अयोध्या में पूरी तैयारी हो गई थी और भगवान राम गद्दी में बैठने वाले थे और अयोध्या की प्रजा अत्यंत खुश थी। सबकी इच्छा थी कि रामचंद्र जी राज्य का शासन करें। कैकेयी एक समय अपने पति दशरथ का सहयोग दिया था। दशरथ की कई स्थान में पढ़ती हो, तीन पत्नियाँ थीं, कई स्थान में पढ़ती हो चार, प्रभाव कहते हैं तीन। तो कैकेयी दशरथ का सहयोग दिया था एक कठिन स्थिति में, कैकेयी ने उनका सहयोग दिया था। और महाराज दशरथ ने कहा था कि भांगों में से कुछ वर तुमने मेरी जान बचाया है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या वर मांगू में से कुछ वर। और कैकेयी होशियार थी, उसने कहा मैं ठीक समय पर मांगूंगी। तो महाराज दशरथ के अत्यंत प्रिय पुत्र राम
उन्हें राजगद्दी में बिठाने लगे थे। वो सब तैयारी हो रही थी, अगले दिन राजगद्दी में बैठने वाले थे। उस समय कहने कहा कि आपको याद है आपने मुझे वचन दिया था और कहा था क्या, जो भी तुम मांगोगे वो इच्छा आप पूरी करोगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बेटे राम को वनवास में भेजो 14 सालों के लिए और मेरे पुत्र भारत को राजगद्दी में बिठाओ। जब दशरथ ने यह सुना तो उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम, राम को जंगल में भेजो? किसी हालत में नहीं। प्राचीन समय में वचन का पालन करते थे लोग, अगर कोई जबानी में कुछ कह दिया तो उसका पालन होता था। तो दर्शन ने कहा ये कैसे संभव है कहीं, और उन्होंने कहा कि हालांकि वचन का पालन करना चाहिए, मैं पालन नहीं करूँगा, राम को नहीं कहूँगा तुम जाओ जंगल में। और जब भगवान राम को पता लगा कि कई की इच्छा है कि वो वनवास में जाएं 14 सालों के लिए और उनके बेटे को बिठाया, भारत को बिठाया जाए, भगवान राम आगे बढ़े। भगवान राम ने पिता से ये नहीं कहा, लोग क्या कहेंगे, पूरी तैयारी हो गई है राजगद्दी में बिठाने के लिए। भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है जिनमें 6 प्रकार के गुण असीम मात्रा में एक साथ प्राप्त हो, ऐश्वर्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य अवश्य व सन्ना भागा ऐसा। भगवान के 6 गुणों में एक गुण है ऐश्वर्य समाग्रस्य। सबसे धनी बौद्धिक संसार में अनेक धनी व्यक्ति हैं, पर सबसे धनी कौन है, भगवान। वीर ऐसा सबसे वीर भगवान, जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तो उनके ही भक्त असुर भी बन जाते हैं, और ये जो असुर बनते हैं ये कोई साधारण असुर नहीं होते। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु जब अपनी तपस्या कर रहा था, हिरण्यकशिपु 100 देवताओं के सालों के लिए हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है, तो देवताओं के 100 वर्षों के लिए हिरण्यकशिपु अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े हुए हाथ के ऊपर आकाश की तरफ, उनका पूरा शरीर चीटियों से भरा हुआ था, और जब भी इस पोजीशन में खड़े रहे 100 देवताओं के वर्षों के लिए। आज के बाजार में आप रामदेव या किसी और योगी से कहो तुम खड़े हो सकते हो तुम्हारे टोस पर 1 घंटे के लिए, वो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा भी 5 मिनट भी मुश्किल से होगा, पर हिरण्यकशिपु खड़े हुए अपने अंगूठे पर देवताओं के 100 वर्षों के लिए। तो ये शक्ति किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो सबसे वीर, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और त्यागी, जिस व्यक्ति में 6 गुणों एक साथ, उसे हम भगवान कह सकते हैं। तो जब भगवान राम ने सुना कि कहे की इच्छा है कि राजगद्दी उनके बेटे को दी जाए, तो भगवान राम
खुद गए पिता के पास। उन्होंने कहा, पिता कहे कि ये इच्छा है, आपने एक दफ़ा वचन दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप अपने वचन का पालन करो, मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ। ये है भगवान के अनेक गुण में एक गुण है करा गया। तो यहाँ आप आज के श्लोक में पढ़ रहे हो कि भगवान राम प्रसन्न थे उनके भाई भरत के पूरे रूप से समर्पण होने के। जब भरत को पता लगा कि उनकी माँ ने उनके माँ के कहने पर दशरथ ने उनके बड़े भाई को कहा जंगल में जाने के लिए, वो अत्यंत दुखी थे। उन्होंने राज्य भी किया भगवान राम के खड़ाऊ को आसन में रखकर। तो जब भगवान राम ने देखा कि ये उनकी माँ सुखा के कहकर की इच्छा, तुरंत ही तैयार हो गए। तो इस समय हम देख रहे हैं भगवान राम अपने तपस्या करके वापस लौट गए हैं। भगवान राम का स्वागत सारे अयोध्या वासियों ने बड़े उत्साह से किया। और भगवान राम ने जब अपना शासन आरंभ किया, उन्होंने प्रजा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जैसे कि एक पिता अपने बच्चों के साथ देखभाल करता है। प्राचीन समय में कोई व्यक्ति भी किसी राज्य में बगैर अपॉइंटमेंट के पहुंच सकता था महल में राजा का दर्शन लेने के लिए। आज ये संभव है? हाँ, आज केवल टीवी में आप उनका दर्शन ले सकते हो, पर वो आपका दर्शन नहीं ले सकते। तो भगवान राम का जो राज्य था वैसे था जैसे बाप अपने घर को चलाता है। तो प्रभाव जी तात्पर्य में राम राज्य की चर्चा करते हैं और इस श्लोक और आगे के दो श्लोकों में कहा गया है, भगवान राम का जब शासन चल रहा था पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी और किसी प्रकार का क्लेश कष्ट समाज में नहीं था। किसी प्रकार का पूरी प्रजा बिल्कुल सुखी थी क्योंकि भगवान राम प्रजा की देखभाल कर रहे थे। जैसे कि एक पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, इसलिए भगवत में कहा गया है भगवान राम का राज्य था कौन से युग में? त्रेता युग में। लोग इतने सुखी थे कि उन्हें ऐसे लगा ये सतयुग है। और भगवान राम के राज्य के समय लोग इतने सुखी थे कि किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं था, नो बॉडी पेन। आपको डॉक्टर का बिल नहीं, डॉक्टर का दर्शन नहीं लेना होता, किसी प्रकार का शारीरिक सुख नहीं। ये नहीं आपको डायबिटीज है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को और बीमारी हो गई, किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं था। इसके अलावा किसी प्रकार का मानसिक कष्ट भी नहीं था। आज आप देखते हो किसी के पास कोई सुविधा है जो आपके पास नहीं है तो आपका मन सताता है कि नहीं? किसको भी आदर दे दे जो आपको आपको आदर नहीं मिल रहा तो आप दुखी हो जाते हो। भगवान राम के समय किसी प्रकार का मानसिक कष्ट है, नो शारीरिक कष्ट और नो मेंटल कष्ट, और क्या, और बुढ़ापापन में नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं होता था। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बूढ़ा होना कोई पसंद नहीं है। किसी प्रकार का बुढ़ापापन नहीं और मानसिक कष्ट नहीं और किसी प्रकार का पछतावा नहीं। हर व्यक्ति संतुष्ट था
अपनी स्थिति में, किसी के मन में लालच का भाव नहीं था। भगवान राम ने एक समय ब्राह्मणों को बुलाकर अपने गहने बांट दिए। भगवान राम ने उसी तरह सारे गहने बांट दिए, केवल एक नथनी सीता ने रखा। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हम आपके चरण कमलों का अध्ययन करते हुए बड़े संतुष्ट हैं, हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो। आप ये उम्मीद आज कर सकते हो, आप ब्राह्मणों को कुछ दो, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास बहुत कुछ है। और किसी प्रकार का पछतावा नहीं, लैमेंटेशन, वो किसी प्रकार का कष्ट नहीं, नो डिस्ट्रेस, कोई मानसिक कष्ट नहीं, भौतिक कष्ट नहीं, सामाजिक कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो प्रजा अत्यंत सुखी थी और किसी प्रकार का भय भी नहीं। आज हम सदा भय में रहते हैं, सच बात है। आप कहोगे भय तो अभी बढ़ गया है, पर भय था सबके मन में, है ना, सबके मन में भय रहता है। गोविंद दास का विराज कहते हैं, बाजा हुए मनाशी नंद नंदना अभय चरना, हे मेरा मन तुम भय से भरे हुए हो, और अगर तुम भय से बचना चाहते हो तो मान नंद के पुत्र हैं उनकी शरण लो। और राम राज्य के समय सब भगवान राम के शरणागत थे, तो किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी भी प्रकार का। और थकावट, आज हम थोड़ा काम करते हैं, कहते ओ हम थक गए, पर भगवान राम के समय नो फतीक, कोई भी कभी थकता नहीं था। इतनी शक्ति प्राप्त, इतनी शक्ति थी हर एक के पास। और एक और छूट थी, सुनना सुनना चाहते हो? अगली छूट ये थी, मृत्यु के समय भी आप कुछ चुन सकते थे। ये नहीं कि मृत्यु कहेगी चलो तुम्हें ले जाने का समय आ गया, और आप कहते हो नहीं नहीं हम तैयार नहीं हैं। आप खुद चुन सकते थे आपके मृत्यु के समय। और अगर उस प्रकार का भाव आज आ जाए, आपको एक छूट मिल जाए, फिर ये कोरोना वायरस का डर नहीं हो लोगों को। आज लोग क्यों डरे हुए हैं कोरोना वायरस है, सिर्फ एक ही कारण, मृत्यु का कारण बन जाएगा, रोग पीड़ा का भी कारण बन जाएगा, है कि नहीं। वो ये भय सबके मन में है। जो भारत में जो आप स्थिति देख रहे हो, वही स्थिति आज विश्व के हर कोने में है। पहली बार इतिहास में आपको विश्व की सारी सड़कें खाली दिख रही हैं, सारे एयरपोर्ट जो हैं सब बंद हो गए हैं। क्यों, क्या करेंगे एयरपोर्ट से, कोई जहाज जा रहा नहीं है, कोई जहाज आ रहा नहीं है, तो एयरपोर्ट बिजली का बिल बचाओ। और सब जगह लोगों की छुट्टी हो गई है। मुझे कोई कह रहा था दो दिन पहले, एक बहुत बढ़िया हवाई जहाज की कंपनी है, एयर कैनेडा, कैनेडा की कंपनी है, उन्होंने अपने सारे हवाई जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया है, मतलब सारे हवाई जहाज कोई भी उड़ा नहीं है, और सारे स्टाफ हजारों लोगों का सबको छुट्टी दे दी है नौकरी से। तो किसी प्रकार का भय नहीं था, और मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते थे। ये वातावरण कैसे संभव हुआ, क्योंकि पूरी प्रजा भगवान की उपासक थी, भगवान उनको शिक्षा दे रहे थे अध्यात्म विषय में। अगर वो छूट आज होती तो कोरोना वायरस का प्रयास फेल हो जाता, पर लोग कहते
मेरी इजाजत पर मृत्यु तो आएगी नहीं, तो वायरस क्या करेगा। ये था सुख जो व्यक्ति ने प्राप्त किया। तो आप कहोगे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि लोगों को राम राज्य चाहिए, पर भगवान राम की उपासना वो नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग चाहिए, पर ये मत बोलो नियमों का पालन करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। हमें जो भौतिक कार्य हम करते हैं करने दो, उसको रख भी दो, ये संभव नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य महामेकम शरणम्, हम तो हम सब पाप में मोक्ष से हमें मार सकता, तुम मेरी शरण लोगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, नहीं तो नहीं। भगवान ये नहीं कहते जो करना करो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो यहाँ कहा गया है भगवान राम के राज्य के समय पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, क्योंकि पूरी प्रजा उनका उपासना करती थी। भगवान राम ने प्रजा को पूरी शिक्षा दी, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, चतुर्वर्ण मयाश्रम गुणा कर्मा विभाग, समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्णा और चार आश्रमों में। चार वर्णाएँ क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मणों को होना आवश्यक है, वो ब्राह्मणों की तुलना की जाती है व्यक्ति के सिर के साथ, क्षत्रियों की तुलना की जाती है भावों के साथ, वैश्यों की तुलना की जाती है पेट के साथ, और शूद्र का कर्तव्य है तीन वर्णा का सहयोग दे। तो इन चार का होना समाज में बहुत आवश्यक है। और भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी उलाज से पाल रहे थे। एक समय एक पिता के बेटे का देहांत हो गया था, तो उसने आके भगवान राम से कहा मैं जिंदा हूँ, मेरे बेटे का देहांत कैसे हो गया। तो भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी उलाज से पाल रहे थे। जिस समाज में भगवान की शिक्षा का प्रचार हो वो समाज सुखी रहेगा, और जिस समाज में भगवान की शिक्षा नहीं ली जाती वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे इस समय हम सब कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, ये कोरोना वायरस है क्या? ये है पृथ्वी की प्रजा के पापों का परिणाम। प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में कहा था ये समाज यहाँ की इतना पाप हो रहा है, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। कितना पाप हो रहा है समाज में, निर्दोष गाय माता का वध हो रहा है, ब्राह्मण का संस्कृति की स्थापना नहीं है। जब आप पृथ्वी पर पाप करोगे तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और उसका परिणाम हम अनेक रूपों में भुगतते हैं, आधिदेविक आधिभौतिक आध्यात्मिक। तो ये आवश्यक है कि जो नेता बन जाए वो अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी का भी पालन करे। भगवतम के पांचवें स्कंद में नरकों का वर्णन है और स्वर्गों का, और वहाँ आप पढ़ते हो किस प्रकार के अपराध के लिए किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति चापलूसी करके नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और समाज की प्रजा को दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं करते, उन्हें क्या मृत्यु के बाद सुनना चाहते हो? कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहते। भागवतम में कहा गया है मृत्यु के बाद ऐसे मशीन में पीसा जाता है जैसे गन्ने को पीसते हैं रस। तो दूसरे शब्दों में अगर हम अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं निभाएं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो प्राचीन समय में जो राजा थे बड़े धार्मिक भाव के थे,
एक राजा थे महाराज से भी, देवताओं ने कहा इनकी परीक्षा लेते हैं कितनी चिंता करते हैं प्रजा के विषय में। तो एक देवता बन गए कबूतर, वो एक बन गए बाज। तो कबूतर भागा भागा महाराज से भी के पास आया, मेरी रक्षा करो, वो बाज मेरा पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो बाज पहुंची वहाँ और बाज ने कहा यहाँ कोई पक्षी आया था? हाँ आया था, खाएं, मुझे खाने के लिए चाहिए। राजा ने कहा वो मेरे पास आया है, मैं तुम्हें लौटा कर नहीं दे सकता, वो मेरे पास ही रहेगा। बाज ने कहा ठीक है, रखना तो रखो, पर मुझे जितना चमड़ा उसके शरीर में है उतना चमड़ा चाहिए। तो महासिबी ने कहा ठीक है, मेरे शरीर से काट के ले लो। तो वो महासिबी के शरीर से ये देवता लेते गए चमड़ा, और भगवान की लीला के अनुसार वजन बढ़ते गया। अंत में देवता ने जब देखा कि ये सफल हुए अपनी जिम्मेदारी में, फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रस्तुत किया और देवता बड़े खुश थे उनके उत्तर से। तो राजा बनना, नेता बनना, साथ आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी आती है। प्रभु जी साथ पेर में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र इज डेमोक्रेसी ना, प्रजातंत्र की बात कर की चर्चा कर रहे हैं। प्रभु जी ने हमेशा इसका विरोध किया था। प्रभु जी कहते थे समाज के नेता हैं, उनका क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आध्यात्मिक जिम्मेदारी और मोनार्की इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तो आज के श्लोक में ये कहा गया है, क्योंकि भगवान राम प्रजा को पाल रहे थे अपनी उलाज ऐसे, पूरी प्रजा सुखी थी। यही आजकल तो आप देख रहे हो कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी किसी देश में भी अगर सड़क पर चल रहा है चारों तरफ से सड़कों बंद हो जाती हैं, है ना, 50-50 पुलिस एस्कॉर्ट रहते हैं। आजकल छोटे मंत्री भी पुलिस एस्कॉर्ट लेते हैं, प्रेशर सिंबल बन गया है। और क्यों? क्योंकि हमें भय है कोई दुर्घटना नहीं बीत जाए, इसलिए हमें अधिक सिपाही चाहिए। प्राचीन समय में इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरी प्रजा राजा से खुश थी और राजा प्रजा को अपनी उलाज से पाल रहे थे। तो अगर हमें राम राज्य चाहिए तो ये संभव है कैसे? हरि नाम के प्रचार के द्वारा। आगे के श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं ये राम राज्य आज भी प्राप्त हो सकता है अगर हम किसका लाभ उठाएं? महामंत्र का, कली कले नामा रूपा कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के चरण से। तो इस आगे के दो श्लोकों में ये संदेश दिया जा रहा है कि हरि नाम के माध्यम से आप कलियुग को सतयुग भी बना सकते हो। जैसे कि हीटर होता है आपके घर में, हीटर सर्दी में गर्म बना देता है और गर्मी में कमरे को ठंडा बना देता है। तो उसी प्रकार कलयुग में अगर आप भगवान के नामों का उच्चारण करो, और भगवत में कहा गया है उच्चारण करो अपराधों से रहित, आगे के श्लोक में कहा गया है। तो अगर हम उच्चारण करें हरि नाम का अपराधों से रहे तो फिर क्या होगा? इस कलयुग में सतयुग का वातावरण होगा, पूरी प्रजा अत्यंत सुखी होगी, फिर ये वायरस की आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप भगवान की सेवा में संतुष्ट हो। आज हमारा मन भय से भरा हुआ है तो हम डरे हुए हैं और पूरा समाज सुखी रहेगा। तो क्या आवश्यक है? हरि नाम का उच्चारण
वही नाम का प्रचार। जैसे इस समय सबके पास बहुत समय है क्योंकि कोई दफ्तर जा रहा ही नहीं, तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, प्रचार के अनेक साधन हैं, उनका लाभ उठा सकते हो, श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठा सकते हैं, और इस प्रकार मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। जो बुरा सौदा है उसका आप लाभ उठा सकोगे। तो हमें इस आज की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए, जिसका अर्थ ये है हरि नाम को बढ़ाओ, शास्त्र का अध्ययन को बढ़ाओ, और ये सोचो कि ये लॉकआउट जब समाप्त होगा, एक ना एक दिन तो समाप्त हो गया, लॉकआउट को परमानेंटली नहीं रख सकते, तो जब ये लॉकआउट समाप्त होगा 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में, तो हम बड़े उत्साह से प्रचार में जाएंगे। तो वैसे हमें हरे कृष्ण। तो मैंने आपको आरंभ में कहा था कि आज एक और शुभ दिन है, क्या है आज इस विषय पर ऋषि कुमार का लेक्चर दोपहर को, मैं केवल संक्षेप में ही चर्चा करूँगा। तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और राम बालराम का अवतार। रामानुजाचार्य प्रकट हुए थे दक्षिण भारत में वो 1070 AD, चैतन्य महाप्रभु से कोई 300-400 साल पहले। और रामानुजाचार्य ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि भगवान का रूप है। उनके प्रकट होने से पहले शंकराचार्य प्रकट हो गए थे, शंकराचार्य के प्रकट होने से पहले बुद्धा प्रकट हुए थे। बुद्धा जी ने देखा ये लोग शास्त्रों के नाम पर पशुओं की हत्या कर रहे हैं, तो बुद्धा ने लोगों को वेदों से दूर कर दिया, कहा वेदों में विश्वास मत करो, मेरे में करो। पर फिर शंकराचार्य प्रकट हुए जिन्होंने ये स्थापित किया भगवान है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और रामानुजाचार्य ये प्रकट हुए, इन्होंने स्थापित किया कि भगवान है, भगवान का रूप है। तो रामानुजाचार्य प्रकट हुए थे दक्षिण भारत में, उनके पिता का नाम था सूरी केशव और कंतिमती था उनकी माता का नाम। छोटी उम्र से ही वो बड़े विद्वान थे और एक बार किसी चीज़ को सुनते थे तुरंत वो कंठस्थ हो जाता था। 16 साल की आयु में उनका विवाह हुआ। तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी प्रचारक थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश का एक बड़ा वो एक संस्कृत का विद्यालय था जिसमें रामानुजाचार्य विद्यार्थी बने। रामानुजाचार्य उस स्कूल में थे, वो देखना चाहते थे जो मायावादी व्यक्ति हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो किस रूप से प्रचार करते हैं इत्यादि। तो रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के पाठशाला में संस्कृत सीख रहे थे, संस्कृत और संस्कृत ज्ञान। और रामानुजाचार्य ने देखा कि यादव प्रकाश मायावादी संदेश को आगे प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने एक समय
वहाँ पे गुरु को मसाज कर रहे थे और एक विद्यार्थी आया गुरु से प्रश्न पूछने के लिए, जो निर्भर था, जो उपनिषद की चर्चा सुबह के समय हुई थी। जब रामानुजाचार्य ने देखा कि इंटरप्रिटेशन गलत है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और आंसू के नेत्रों से गिरे नीचे। गुरु को लगा कि रामानुजाचार्य खुश नहीं है, तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो रामानुजाचार्य ने कहा, आप गलत सिद्धांत सिखा रहे हो लोगों को। आप कहते हैं भगवान निराकार हैं, भगवान का रूप नहीं है, पर भगवान का रूप है। तो यादव प्रकाश ने कहा, अगर तुम्हारी इतनी होशियारी है तो मेरे पाठशाला में क्यों रहते हो? जाओ अपना पाठशाला खोल दो, मेरा सिर मत खाओ। तो यादव प्रकाश ने गुस्से में ऐसा कहा। तो फिर यादव प्रकाश ने सोचा, अरे मैंने क्या कह दिया, ये रामानुजा इतना होशियार है कि वो अगर पाठशाला खोलेगा तो हमारे पाठशाला को सब छोड़ देंगे, मैंने गलती कर दी। तो यादव प्रकाश ने अपने विद्यार्थियों को बुलाकर पूछा, अब क्या किया जाए, ये रामानुजा हमारे सिद्धांत का विरोध कर रहा है, हमारा भाव है कि हम शंकरा की शिक्षा का आपको अपनाएं, और ये जो कह रहा है इसे तो हमारी शिक्षा नष्ट हो जाएगी और रामानुजा को हराना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्होंने ये निर्णय किया, हमें रामानुजाचार्य को ख़त्म कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, हम सब पिकनिक में जाएंगे गंगा के पास वाराणसी में पिकनिक में। तो रामानुजाचार्य के एक कजन ब्रदर थे जिनका नाम था गोविंद। तो रामानुजाचार्य दूसरे यादव प्रकाश के विद्यार्थियों के साथ और यादव प्रकाश के साथ सब पिकनिक में गए। पिकनिक में जाने से पहले कुछ चर्चा हो रही थी जो रामानुजाचार्य के भाई गोविंद ने सुन ली। चर्चा क्या थी? ये डिस्कशन हो रहा था कि हम रामानुजाचार्य को कैसे मारेंगे, मार देंगे पिकनिक में। तो जब वो पिकनिक में जा रहे थे आगे बढ़े, तो गोविंद ने रामानुजाचार्य को कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको वो मार देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले सुन ली थी। तो रामानुजाचार्य को छोड़ दिया, कहा कि तुम घर जाओ वापस कांची। और गोविंद ने आकर यादव प्रकाश को कहा, मैं मेरे भाई के साथ गया था फूल लेने के लिए, वहाँ एक शेर आया, वो शेर ने रामानुजा को खा लिया। तो यादव प्रकाश बहुत खुश हो गए और बाहर तो उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि हम सब उदास हैं, शोक में हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी मर गए, पर अंदर से बहुत खुश थे कि चलो यहाँ रामानुजा समाप्त हो गया, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य चले, उस स्थान को छोड़कर अकेले जा रहे थे, और फिर वो पहुँचे एक तालाब के पास जहाँ की एक पति पत्नी शिकारी वहाँ थे। उन्होंने उनको जल पिलाया और किसी प्रकार से फिर अगले दिन
जब रावण ने चाहे सोकर उठे सुबह तो वह नहीं थे, वो थे भगवान। तो रावण जी ने चाहा, पूछ पूछ कर पहुँच गए, कहाँ कहाँ पहुँच गए, अब कांची में अपने घर पर। और वहाँ उन्होंने फिर से पाठशाला खोला। जब थोड़ी देर बाद यादव प्रकाश उनके विद्यार्थी वहाँ आए वापस कांची, उन्होंने देखा ये रामन जो चाहिए जिंदा है। उन्हें तो बोल दिया कि शेर ने खा लिया और विद्यार्थियों को सिखा रहा है। तो सारे उसमें ये क्या विद्य प्रकाश यादव यादव प्रकाश उनके विद्यार्थी सब क्या बन गए, रावण ने चाहिए के शिष्य। और सबने स्वीकार किया, उनके सिद्धांत को स्वीकार किया। तो उन दिनों में और भी मायावादियों का काफ़ी तेज प्रभाव था। एक और मायावादी तो कई मायावादियों ने इकट्ठा होकर वहाँ का एक राजा था उसके पास गए। उन्होंने कहा कि अगर हम यादव प्रकाश या अगर हम रामानुजा उनके भक्तों का कभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो सिद्धांत है वो कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा, राजा था श्रीरंग इन श्रीरंगम नो, तो राजा ने कहा बुलाओ रामानुजाचार्य को। तो राजा का एक प्रतिनिधि वहाँ आया और कहा राजा चाहता है तुम आओ, आपसे बात करना चाहते हैं। तो रामानुजा ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उनके एक यादव एक शिष्य थे जिनका नाम था कुरैशी। कुरैशी ने कहा सर आप मत जाइए, मुझे राजा के वचनों में पूरा विश्वास नहीं है, आप यहीं रहो मैं जाता हूँ आपकी जगह। तो कुरैशी ने सैफरन कपड़े पहन लिए और वो बन गया रामानुजाचार्य। तो जब वो रामानुजाचार्य गए उधर तो रामानुजाचार्य असली रामानुजाचार्य तो पीछे रह गए थे, उन्होंने अपने कपड़े डंडा त्रिडंडा सब दे दिया उनके शिष्य कुरैशी को, जो रामानुजा के रूप में वहाँ प्रकट हुए। तो राजा ने बड़ा प्रयास किया कुरैशी को मायावादी सिद्धांत सिखाने के लिए, पर उसने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तो राजा ने गुस्से होकर कहा ले जाओ इसे जंगल में, इसकी दोनों आंखों को अंधा बना दो। तो कुरैशी को ले गए जंगल में और अंधा बना दिया उनके राजा के आदेश के अनुसार। राजा ने इतना पाप किया उसके ये परिणाम हो गए, 3-4 दिन बाद इस घटना के बड़े बुरी तरह मर गया वो राजा। तो जब राजा ने देखा कि कुरैशी बिल्कुल मानना नहीं है तो उनके हुक्म से उन्हें अंधा बना दिया था, बना दिया। और राजा की मृत्यु हो गई और ये कुरैशी को अंधा बना दिया था। पर कुरैशी के मन में प्रशंसा थी, क्यों वो बना रामानुजा के, क्यों क्योंकि वो अपने गुरु की सेवा करना चाहता था। उसको पता था राजा रामानुजाचार्य को कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट भी। तो कुरैशी बन गए रामानुजाचार्य और जब उन्हें अंधा भी बना दिया तो ये बड़े खुश थे। क्यों क्यों खुश थे, क्योंकि गुरु को उन्होंने बचा दिया। और अगर तो
रामानुजाचार्य श्रीरंगम में गए और वहाँ वो ले गए कुरैशी को। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करके इसके नेत्रों को ठीक कर दो। और बोलते ही कुरैशी जो अंधा बन गया था, वो जब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी तो उनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो रामानुजाचार्य ने ये सिद्धांत दिया भगवान का रूप है। और उन्होंने अपने शिष्य को कहा सदा साधु संगत में रहो, साधु संगत में रहोगे तो भक्ति ज़्यादा सरल है। वेदांत वेदों के शिक्षा का पालन करो। तो रामानुजाचार्य ने 700 सन्यासी को दीक्षा दी, उनके 712,000 लोगों को हरिनाम दीक्षा दिया और कोई 75 मत खोले पूरे भारत में। तो वैसे तो रामानुजाचार्य के विषय में बहुत कुछ है। और आज रामानुजाचार्य का अभी बाबू जी दिया, वो किसके अवतार हैं और बालराम के। और चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य की शिक्षा को स्वीकार किया, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। और महाप्रभु ने रामानुजाचार्य की शिक्षा को स्वीकार किया और श्री रंगम में रामानुजाचार्य ने अपना श्री त्यागा, भगवान के विग्रह के पर अपना सिर रखा और भगवान के समक्ष उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। हमें हम सबको रामानुजाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमारे में उनकी शिक्षा पालन करने का उत्साह बढ़े। उनकी शिक्षा और महाप्रभु की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा महा भक्तों के संग में रहो, भगवान के नामों का उच्चारण करो और सदा विधान था भगवान साकार है। जो निराकार भाव था वो उन्होंने समाप्त किया। राम उन्होंने छा की गौर पर विनंद हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन कॉमेंट्स? हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी के समय वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अलावा और कौन से प्रमाणिक ग्रंथ मौजूद थे उस समय? वो तो मुझे नहीं पता पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि अनेक संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है तो मैं केवल संक्षेप में करूँगा। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं इसका अर्थ यह है कि उस समय अनेक ग्रंथ थे जिनमें भगवान राम की लीला का वर्णन है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसे तो इस समय वाल्मीकि की रामायण है और तुलसीदास की। प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा कि हमें वाल्मीकि के रामायण का स्वीकार करना चाहिए कि तुलसीदास के रामायण में थोड़ा मायावादी प्रभाव है। और क्वेश्चन? हरे कृष्णा गुरु महाराज। एक माता जी का प्रश्न है, वो पूछ रही है आपके शिष्य है दोनों पति पत्नी कि हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक समस्या है घर में वो सुलझाने का प्रयास कीजिए कि अभी इन दिनों जो है कोरोना के चलते सब घर में रह रहे हैं, मेरे पति भी आपके शिष्य है और कोरोना के कारण वह इन दिनों घर पर है, नौकरानी नहीं आ रही है, वह खाना पकाने में मेरी मदद नहीं करता,
वह रसोई घर की सफाई में मेरी मदद नहीं करता, वह घर की सफाई के काम में भी कोई मदद नहीं करता। नहीं, पूरा पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, पूरा सुनना चाहिए। वो सुबह से आया हुआ है, मैं बताया नहीं। वह घर की सफाई में मेरी मदद नहीं करता, वह मेरी किसी भी चीज़ में मदद नहीं करता। मुझे वास्तव में रोनी जैसी स्थिति आ गई है और उससे भी रो रहे के बोलती हूँ, प्लीज़ हेल्प करो। इन सब से ऊपर मुझे बच्चे की भी देखभाल करनी होगी और होती करनी पड़ती है। यह मेरे मन की शांति को छीन रहा है। ऐसे कठिन समय में घर के प्रति ऐसे रवैये में आपके शिष्य को आपकी क्या सलाह है? आप लोग कोई मैरिज काउंसलर के पास जाओ। हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा क्वेश्चन जड़ भरत के पास टाइम से एक है कि जैसे जड़ भरत को पिछले दो लाइफ्स में बहुत चैलेंजेस हुए थे और उनको जड़ भरत तो उनको ये सब याद भी था कि कितने कष्ट से आए हैं इस यहाँ पे, तो अब वो पीछे नहीं जाना चाहते। तो महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि उनको तो इतना कुछ रियलाइजेशन था, याद भी था, बट मैं अपनी लाइफ में जैसे बचपन से ही कुछ इतना मटेरियल डिस्कम्फर्ट हुआ नहीं लाइफ में, और इवन कि ज्वाइन करने के बाद भी कुछ इतना मटेरियल डिस्कम्फर्ट हुआ नहीं, तो कैसे हम मतलब भक्ति में दृढ़ रह सकते हैं कि कभी पीछे ना जाएं? अगर आप अपराधों से रहित महामंत्र का जाप करो, भक्तों के संग में रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, तो बिना शंका के आप आगे बढ़ते जाओगे और कभी पीछे नहीं देखोगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको दुर्घटना का अनुभव होना चाहिए भगवान के शरण नगर होने के लिए। आप जानवर का हाथ काट दो, हाथ तो अगर आप ये रामचार्य ने भी ये कहा, भक्त के संग में रहो, इनाम करो, जो शिक्षा दी जा रही है उसका पालन करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज। गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि जब राम जी ने सारा दान दे रहे थे तो ब्राह्मणों ने बोला कि हम आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए ही सेटिस्फाइड हैं, और जैसे अम्बरीश महाराज के में भी आता है कि बताते हैं सवई मना कृष्ण पदारविंदो, तो इस चीज़ को मैं समझना चाह रहा था कि क्या इसका अर्थ है, प्रैक्टिकल क्या हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट है? मतलब कि अम्बरीश महाराज 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे, वाणी द्वारा भगवान का गुणगान, मन द्वारा भगवान का चिंतन, तो ये जो उनका अभ्यास था उसका लाभ हम भी उठा सकते हैं, ये असंभव कार्य नहीं है। इसका उपदेश ये है कि हमें इन संतों के आचरण का लाभ उठाना चाहिए। हम जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसकी शिक्षा यह है कि अगर हम इन संतों के समान प्रयास करें तो भगवान हमारी भी सुरक्षा करेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें भी प्रहलाद महाराज जैसे पहाड़ों की ऊँची से फेंको, देखते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं। पर जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसका लाभ उठाओ। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एडवांस डिवोटीज का संग जरूरी होता है, बट समटाइम्स हमें देखा जाता है कि जो एडवांस भक्त होते हैं हमारे अंदर को जो कमी होती है उसको देख के हमें त्याग देते हैं, लाइक हमसे डांट देते हैं, त्याग देते हैं, बात नहीं करते, कुछ गाइड नहीं करते, तो इस सिचुएशन में कैसे उनसे डील करना चाहिए? आपको लगता है कि वो आपको त्याग रहे हैं या बात नहीं करते, पर हृदय से हर भक्त चाहता है कि दूसरे भक्त भी आगे बढ़े, और अगर कोई बिना कारण के
कोई एडवांस डिवोटी आपकी संग को त्याग है तो एक रूप से वो गलत है, पर यह हमारा भाव है, वो हमें शिक्षा नहीं देना चाहता। हर एडवांस डिवोटी चाहता है सब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। थैंक यू। यस हरे कृष्ण महाराज। महाराज साहब अभी आपने बताया कि कुरैशी जी ने अपने गुरुदेव रमणाचार्य के प्रति अटैचमेंट डेवलप किया और अपने आप को सेक्रीफाई अपने आप को आगे रखा अपने गुरु को सेव करने के लिए, तो ऐसे कैसे मतलब एक डिसाइपल अपने गुरु के प्रति अटैचमेंट डेवलप कर सकता है कि वो भी मतलब आगे मतलब सफर कर सके अपने गुरु के प्लीजिंग के लिए? वो कुरैशी अपने स्वार्थ का नहीं सोच रहा था, वो गुरु के स्वार्थ का सोच रहा था। गुरु तो तैयार था राजा के पास जाने के लिए, कुरैशी ने रो गया, बोल नहीं मुझे लगता है वहाँ खतरा है, मैं जाता हूँ। तो और हालांकि वो उनको अंधा बना दिया था, पर कुरैशी खुश था क्योंकि उसके वो ये सोच रहा था मैंने गुरु की आंखों को बचा दिया, गुरु को बचा दिया। तो क्या तो मतलब एज अ डिसाइपल अपने गुरु के प्रति अटैचमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं महाराज? हर गुण प्राप्त हो सकता है एक ही प्रयास है, श्रवणम कीर्तनम। सारी समस्या का कारण है हम श्रवणम कीर्तनम ध्यान से नहीं कर रहे, और सारी समस्या का हल है उसका उच्चारण करना। ये नहीं कि रोज नया सिद्धांत मिलेगा। महाराज एज अ कलयुग इज इंक्रीजिंग वी सी मोस्ट ऑफ द संप्रदायज वी सी द स्टैंडर्ड्स दे आर गोइंग डाउन, दे आर नॉट अप टू दैट मार्क विच वॉज देयर एट द टाइम ऑफ श्रीपाद रामदाचार्य और श्रीपाद मध्वाचार्य। सो इवन दिस विष्णु स्वामी संप्रदाय इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, सो हाउ वी कैन मेंटेन दोज स्टैंडर्ड्स स्पेशली वेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट अवर ओन institution in the future. Lucky. Yeah, we are very lucky. We had Srila Prabhupada, who was the empowered representative for this age. Srila Prabhupada said, if you follow my advice and instructions, everything will keep expanding. And Prabhupada gave us a management system in which no one person is in charge. But it's a governing body. And if we follow his instructions, then success is guaranteed. Agar hum Prabhupada ji ke niyamon ka adesh ka palan karenge, to bina shanka ke aap safalta prapt karoge. Kai baar jab Prabhupada ji bhi aprakat ho rahe the, kai log aaye Prabhupada ji ko milne aur poochte the, aapke baad kya hoga, ye sanstha kaise chalegi? Kyunki aksar ye anubhav hai इस संस्थापक आचार्य के अप्रकट होने के पश्चात सब टूट जाता है अक्सर। तो प्रभा जी ने जो सिस्टम दिया है, असल में वो सिस्टम पहले भक्ति सिद्धांत जी ने लिया था। अगर हम इस्कॉन में उसके आधार पर चलेंगे, और प्रभा जी ने ये भी कहा है प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी ही शक्ति है, फिर आप भी सेव रास्ते में रहोगे। एंड इफ यू डोंट फॉलो प्रॉपर सिस्टम देन वी विल बी इन ट्रबल। महाराज इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑल दिस संप्रदायज द अदर संप्रदाय दे डोंट हैव दे डोंट हैव अ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू मैनेज एंड सुपरवाइज ऑल दोज डिवोटीज विद देम? There are so many institutions and institutions, but the framework that Prabhupada gave was unique. And Prabhupada said, we have to stay away from greed.
One other thing that Ramanujacharya in his instructions left is also give up lust, anger and greed. हरे कृष्ण गुरुमाज. गुरुमाज, आपने ये पॉइंट इस पे इसके पहले भी आया था कि रामायण के बारे में दो ही अध्याय हैं और सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि और भी बहुत ही प्रचलित बहुत सारी व्याख्याएं हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, इसलिए इसमें उतना समय नहीं हम बिताएंगे. परीक्षित महाराज के पास समय सीमित था. मेरा प्रश्न यह है कि बाकी भागवत में बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं जिसे कभी कभार लगता है एक ही प्रकार का लगता है. एक जगह उस स्थान का वर्णन होता है कि वहाँ पे बहुत प्रकृति सुंदर थी वगैरह वगैरह, और वैसे कई स्थानों में आता है, तो कभी लगता है कि इसके ऊपर इतना समय क्यों निकाला सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि उनके पास समय कम था. लेकिन रामचंद्र जी के बारे में और बता सकते थे लेकिन उतना नहीं बताया, इसको कैसे समझें? सुखदेव गोस्वामी ने रामचंद्र जी के केवल कुछ लीलाओं का वर्णन किया है, एंड दैट टू इन रियल समरी फॉर्म डिटेल्स के साथ में, बिकॉज ही हैड प्रेशर ऑफ टाइम. परीक्षित महाराज ओनली हैड 7 days टू लिव, सो ही हैड टू कंप्लीट द होल भागवतम. एंड ही सेज दैट एट द आउटसेट बिकॉज अदर्स हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इट, सो आई विल जस्ट गिव अ समरी प्रेजेंटेशन. Your question is, why did he give a summary presentation? My question, Gurumaj, is that here he is given a summary presentation, but elsewhere in the Bhagavatam you see so many descriptions of, say, natural beauty or beauty denizens, etc. On the other topics, there are not many people who have presented, but Lord Ram's Leela is already covered in many other books. He says that. Thank you. Yeah. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर. मुझे एक पूछना था कि जैसे जो रामानुजाचार्य जी का जो एक एटीट्यूड या बिहेवियर उस समय प्रकट नजर आता है, यादव प्रकाश जी ने जब कुछ कुछ मिस इंटरप्रेट किया उस वर्स को, तो एज अ डिसाइपल हमें रामानुजाचार्य जी के बिहेवियर से उस समय के एटीट्यूड में मतलब क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने गुरु को डायरेक्ट रिवोल्ट किया? रामानुजाचार्य तो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जैसे हम कह चुके हैं, वो कोई साधारण हमारे लेवल के प्रचारक नहीं थे. उनके प्रकट होने का एक भाव था, वो शंकर का जो इम्पर्सनल फिलॉसफी है उसको हराने. तो आपको ये संदेश नहीं दिया जा रहा, आप इम्पर्सनल फिलॉसफी का वो हराओ. आपको ये कहा जा रहा है चैंट रीड, उसे कई लोग बदलेंगे भी. जैसे जब से इस्कॉन का प्रचार हो रहा है कई मायावादी भाव के लोग जुड़ गए हैं. प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में हम क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी जब आए वेस्ट में यहाँ तो इम्पर्सनलिज्म का बड़ा गहरा प्रभाव है, प्रभुपाद जी ने उन सबको हराया. इंडिया में इम्पर्सनेंस की कमी है, आज भी इतने हैं. तो हमें रामानुजाचार्य के शिक्षा के आधार पर प्रचार करना चाहिए. ऑनलाइन है, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ डिसाइपल? ही इज रेडी टू डू व्हाट ही स्टोल. Prabhupada said there are 3 types of disciples. Top first class disciple is, he knows what the guru wants and you do without even being told. Guru wants me to chant nicely, come to Mangalarti, come to class. Second grade is, you're told do this and you do it. And third grade is, doesn't matter what the guru says, I'm going to do what I want. Somebody is misleading the guru. So it's our choice which category we want to be. But Krishna rewards us according to our surrender. Aur hai, Guru Maharaj, which one is more important, devotee seva or personal sadhana? Both are important. Sadhana
plus Vaishnava Seva. Okay? और है yeah. महाराज जी why there is no old age in rule of श्री रामचंद्र भगवान रामचंद्र के राज में ओल्ड एज क्यों नहीं था भगवान राम के राज्य में लोग इतने सुखी थे कि वो बूढ़े होते ही नहीं थे they always looked young. No old age. And death also you could choose your own time. Okay, quickly. Yes. Yes. Maya. How can he protect himself from Maya since he's locked down in his home only? He's a brahmachari. Tell him, chant more, read more, and speak on WhatsApp to other Prabhus every day. So he'll have sadhu sangha. Okay. हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद महाराज रामराज जी के बारे में अच्छा वर्णन आया और महाराज मेरा प्रश्न था एक जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कपट अगर कपट पूर्ण कोई भक्ति करता है तो उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं निष्कपट भाव से भक्ति करने वालों के ऊपर ही कृपा करते हैं कपट या डुप्लीसियस भक्त के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती है तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कुछ स्टैंडर्ड रखते हैं हम लोगों को खासकर सैफरन क्लोथ धारण करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का काफ़ी हाई स्टैंडर्ड दिया गया है तो हम भक्त लोग को काफ़ी मतलब भौतिक आसक्ति भी होती है और हृदय में सारे अनर्थ भरे पड़े हैं फिर भी हम प्रयास करते हैं कि नहीं हम सैफरन धारण करके हमें निवृत्ति मार्ग का पालन करना है बट एक्चुअल में हमारी योग्यता है नहीं उस तरह की तो वास्तव में हम लोग निवृत्ति मार्ग में जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारी योग्यता है नहीं निवृत्ति मार्ग को अपनाने का हृदय में हर प्रकार के भौतिक आसक्ति अनर्थ भरे पड़े हैं तो क्या ये कपट कहा जाएगा या कैसे समझें क्या कपट है क्या निष्कपट है आपको शिक्षा दी गई है आचार्यों के द्वारा आप उस शिक्षा का पालन करो चाहे आपके मन में कितना भी कपट भाव हो सुधर जाएगा हम ये नहीं कहते केवल शुद्ध भक्त हो तो भक्त आश्रम में आ सकते हो जैसे झारखंड जंगल में और चैतन्य ने पशुओं से भी जाप करवाया तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा आई हैव मेड नेचर इनटू ब्राह्मणर तो हम सब नेचर बुद्धि में पले थे उसमें पैदा हुए थे पर अब संतों की संगत से हम सुधार सकते हैं अगर हम गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाएं ठीक है Okay, any more? Yes. Question or comment? बाद में करना. Great question. Here's a comment. Keep it to the end. छोटा comment करना. महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो कई बार हमको करेक्ट करते हैं हमारी भक्ति में बट समटाइम इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी डिफिकल्ट टू टेक द करेक्शंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द करेक्शंस चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सिद्धार्थ पिशु ने चेना जरूर पिशाचु ना मनी ना मना देना कितना दी तो ह्यूमिलिटी के कई मीनिंग है वन मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी इज आई एम रेडी टू बी करेक्टेड
I'm ready to be directed, I'm ready to be guided. Humility ka ye matlab nahi se meethe shabdon se baat karo. Asli humility hai ye swikar karna ki main sudharna chahta hu. To jo shiksha di jati hai uska main laabh uthaunga. Ye nahi mujhe koi bolne ki zarurat nahi, main sab janta hu. Aap samjhe? So we need genuine humility, not artificial humility. Genuine humility means hum sachmuch hirde mein samajhte hain ki hame sudhar ki avashyakta hai aur jo aapko updesh de us swikar karo. Aksar kya hai, koi aapki tareef kare to aap khush hote ho aur koi koi correction de is envious, ye dusron ki baaton mein aa gaye. मैं विश्वास नहीं करते. अक्सर हम ऐसे ही सोचते हैं. हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मूर्ख हैं, हमें शिक्षा की आवश्यकता है. सो सीनियर डिवोटी और जूनियर डिवोटी सबको शिक्षा की आवश्यकता है. देन दैट इज ह्यूमिलिटी. महाराज वन मोर थिंग, आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज. उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र तो कलयुग का मंत्र है, लेकिन हम देखते हैं और जो संप्रदाय हैं वो इस मंत्र को क्यों नहीं जाप करते. दूसरी जो संप्रदाय क्या? वो हरे कृष्ण महामंत्र तो कलयुग का मंत्र है, तो दूसरी संप्रदाय इस मंत्र का क्यों नहीं जाप करते हैं? वो तो भाग्यशाली है. दे आर अनलकी. जो कि प्रॉपर की संस्था से जुड़े हैं वो अत्यंत भाग्यशाली हैं. क्योंकि प्रभुपाद ने हमें असली शिक्षा दी. लॉर्ड चैतन्य के एक सेवक थी, उनके घर में पानी लाकर देती थी. उसका नाम, महाप्रभु ने पूछा क्या नाम है आपका, दुखी दास ही. महाप्रभु ने कहा तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, तुम्हारा नाम आज से है सुखी दास ही. तो प्रभुपाद की कृपा से अगर कोई इसकॉन के साथ जुड़ जाए तो सुखी दास बन जाता. मुझे अच्छा लगा मुझे तो. मुझे कल ही अमित अक्षर कह रहे थे यहाँ हम लोग अंदर भी हैं, जैसे कि इस समय किसी को नहीं जाना सड़क में, बाकी लोग तो छोटे छोटे कमरे में ठहर रहे हैं, पर आप लोग महल में ठहरे हो प्रभु जी की कृपा से. यहाँ आपको महसूस ही नहीं होता कि चार तरफ लॉकडाउन है. सपोज आपको एक छोटे कमरे में 10 लोगों को बिठा दे, वो अच्छा लगेगा. तो भी आप भक्तों को अभी तैयार रहना चाहिए तपस्या बढ़ाने के लिए. एक आप में कितने भक्त हो इस सभा में जो ब्राह्मण दीक्षित हो? अच्छा, तो आप ब्राह्मण दीक्षितों से एक प्रश्न है, आप में कितने भक्त हो जो बकायदा जाते हो ऑल्टर में सेवा करने के लिए? असल में जितने भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिली है सबने वादा किया था कि हम ऑल्टर में जाएंगे. आपके ब्राह्मण का मतलब है सच बोला. तो आप में कितने भक्त ब्राह्मण हो जो अभी तक ऑल्टर सेवा शुरू नहीं की जिन्होंने? क्यों? जो ब्राह्मण दीक्षित हैं सबको ऑल्टर में सेवा करनी चाहिए थोड़ा बहुत. ऑल्टर में सेवा करोगे कृपा मिलेगी और भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा. हाँ, सब तैयार हो? ऑल दोज ब्राह्मण इनिशिएटेड दे मस्ट डू रेगुलर सर्विस इन द ऑल्टर. ये आपके एडवांसमेंट के लिए है, इसलिए नहीं कि पुजारी इसकी कमी है, ये हमारे सुधार के लिए है. और चैतन्य ने 5 विषयों को बल दिया. पहला था साधु संघ,
दूसरा था हरिनाम भक्त, तीसरा था शास्त्र का अध्ययन, चौथा भगवान के विग्रह को प्रेम से श्रद्धा से आदर से सेवा करना। यस हरे कृष्ण महाराज जी, कभी कभी जो अपने बराबर के भक्तों में या कोई सीनियर भक्त होते हैं उनके प्रति अगर अपराध हो जाता है तो दो चीज होता है, या तो टॉलरेट करते हैं या तो रिएक्ट कर देते हैं। जब वो टॉलरेट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने टॉलरेट कर लिया, मन कहता है। अगर वो रिएक्ट करते हैं तो मन जज करने लगता है, अरे कैसे ब्रह्मचारी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो प्रश्न क्या है, तो क्या करना चाहिए? हमने अपराध किया हो अगर आप के सामने किसी ने अपराध किया है, वो आपको कहे मेरे से गलती होगी मैं फिर से नहीं करूँगा, आपको तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप कहो तुम्हारी माफ़ी मैं नहीं स्वीकार करता, तुम तो तुमने तो नाटक बना दिया है, रोज करते हो, तो वो भी ठीक नहीं होगा। अगर आप एक दो तीन बार अपराध करो तो अगर रोज का धंधा है फिर वो अच्छा नहीं, समझ गए? पर सीनियर डिवोटीज को भी दयालु होना चाहिए। अगर आपने अपराध किया है वो स्वीकार कर ले, पर आपको भी ये फिर सोचना चाहिए आई विल नॉट रिपीट इट। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? फरीदाबाद से भक्त लोग पूछ रहे हैं कि दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है। दिव्य ज्ञान ट्रांसलेटर नॉलेज। दिव्य ज्ञान है ट्रांसलेटर नॉलेज। नॉलेज जो शास्त्रों में है, हम जो ज्ञान पढ़ते हैं रोज, वो दिव्य ज्ञान है ना। जैसे अभी सब कोरोना के चलते घर में एक कमरे में बंद हो गए हैं, तो बता रहे हम अपने दिनचर्या में आलस्य को कैसे त्यागे। अभी कोरोना वायरस के कारण समय है सबके पास, तो आप इसका लाभ उठाओ, ज्यादा किताबों को पढ़ो, ज्यादा जाप करो। आप ज़्यादा जाप कर सकते हो, कम नहीं करना, अपने आप को व्यस्त रखो। ये नहीं अभी दो हफ्ते की छुट्टी हम सोएंगे सारे। उतना ही विश्राम करो जितना ही आवश्यक हो। और प्रभु जी ने अनेक समय कहा, सिक्स आवर्स फॉर हेल्दी मैन इज इनफ। ओके, आई थिंक आई जस्ट स्टॉप नाउ। गुरुमाज, हरि नाम के जप के प्रति श्रद्धा कैसे विकसित करें, कैसे बढ़ सकती है श्रद्धा, कैसे बढ़े? श्रद्धा बढ़ेगी हरि नाम के उच्चारण से, शास्त्र में रुचि बढ़ेगी, शास्त्र का अध्ययन।